वैसे तो इस बात से हर कोई ही वाकिफ है कि हर साल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को एक त्योहार यानी कि जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी 14 अगस्त को मनाई जाने वाली है और आम तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की बाल लीलाओं और राक्षसों से जुड़ी तमाम तरह की कहानियों को याद किया जाता है। तो ऐसे में फिर आज हम भी आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण और पूतना को राक्षस योनि से बाहर निकालकर भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार कैसे किया, इस बात की जानकारी आज हम आपको देंगे। पर पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूतना थी कौन। बता दें आपको, आदि पुराण के अनुसार पूतना काल भीरु ऋषि की पुत्री थी। उसका नाम चारुमती था और कक्षीवान ऋषि के साथ उसका विवाह हुआ था। एक बार कक्षीवान ऋषि को किसी कार्य से अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़ा। उनके चले जाने के बाद चारुमती एक शूद्र के साथ रहने लगी। जब ऋषि कक्षीवान लौट कर आए तो चारुमती के इस दुर्व्यवहार से बेहद ही दुखी हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से पूरी स्थिति जानने का प्रयास किया। सच्चाई जानने के बाद कक्षीवान बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चारुमती को राक्षसनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद चारुमती राक्षसनी बन गई और बच्चों को मारकर उनका रक्त पीने लगी। अब आपको इस बात की हम जानकारी देते हैं कि आखिर कृष्ण ने कैसे किया था पूतना का उद्धार। बता दें आपको, कृष्ण को मारने के लिए एक बार कंस ने पूतना नाम की राक्षसनी को भेजा। पूतना ने कंस से वादा किया था कि वो 10 दिन के भीतर ही कृष्ण का वध कर देगी। जब वो आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची तब उसने नंद के घर कृष्ण के छठी का उत्सव देखकर सोचा कि वो आज ही कृष्ण का वध कर देगी। आकाश से धरती पर उतरकर वो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके नंद लाला के घर पहुंच गई। घर में गई, घर के अंदर उस रूपवती स्त्री को कोई पहचान ही ना सके। पालने में झूल रहे कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। वास्तव में पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगा रखा था। जैसे ही श्री कृष्ण का मुंह उसके स्तन के पास लगाया, भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा दिया और वो अपने राक्षसी रूप में आ गई पूतना। इस तरह से कृष्ण की कृपा से पूतना का उद्धार हुआ और उसे राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।